हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की कॉल स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की कॉल स्क्रीन अगर बार बार ऑफ होती है ना, तो सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन के अंदर ना ये कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको ऐप इन्फो पर टैप करना है। अभी आपको इस वाले पेज में स्टोरेज एंड कैच पर टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है, नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की साइड है ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार बार रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।